छोटी बड़ी कैसे हुई, किसने बनाई, किसने ये भेद बनाए, किसने कहा कि तुम्हारी जाति छोटी है बड़ी है, किसने नियम बनाए, तो ठन ठन गोपाल, किसी के पास ना किताब मिलेगी, ना अक्षर मिलेगा, ना ज्ञान मिलेगा। सब इस बात से खुश होते हैं तो मैं जिस जाति में हूँ, मेरे ऊपर कितने लोग बैठे हुए हैं इसकी चिंता नहीं, पर मेरे नीचे जो लोग हैं मैं उन पर राज कर रहा हूँ। सीढ़ियों जैसा सिस्टम डेवलप किया गया, दिमाग में डाला गया कि तू ऊपर की गुलामी, ऊपर वाले तेरे को गुलाम बना के रखते हैं उसकी चिंता छोड़, तू नीचे वाले तू गुलाम बना के रहे इसका मजा ले। तो हर आदमी ऊपर से जूते खाता है और नीचे वाले को जूते मार के खुश होता है, पर ऊपर से जूते खाता है उसकी बेइज्जती महसूस नहीं करता, उसकी बेइज्जती, उसकी गंदगी, उसकी बदबू उसको दिमाग में नहीं आती। अरे तू किसका गुलाम है ये सोच, और तू गुलाम बनाना बंद कर, ये सारे समण हैं। पर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नीचे जूता मारने में मजा आता है, इसलिए मुझे कौन जूते मार रहे हैं, उसे छोड़ो। हमारे समणों में ये दिक्कत है, इस दिक्कत की वजह से हम परेशानी में हैं। पर परेशानी बड़ी भयंकर है, परेशानी इसलिए बहुत भयंकर है क्योंकि हम जिस उद्देश्य से लगातार काम कर रहे हैं वो परेशानी बहुत बड़ी है। परेशानी इसलिए है क्योंकि दुनिया में लगभग 4-5 अरब लोग अगले 10-15-20 साल में मारे जाएंगे, बहुत ज़्यादा 30 साल में 4-5 अरब लोग मारे जाएंगे। और ये तय है कि 4-5 अरब लोग मारे जाएंगे, इसका प्लान है। पर ऐसे नहीं मारे जाएंगे कि कह के मारा जाएगा कि तुमको मारा जा रहा है, तुमको ख़त्म किया जा रहा है, ऐसे नहीं मारे, क्योंकि ऐसे अगर मारे जाएंगे तो मारने वालों को